दोस्तों, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए मिलकर जानते हैं क्या हुआ था महाभारत युद्ध के विधवाओं का युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासिक पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुए। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा है, युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने राष्ट्र सहित गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। पांडवों का अपनी माता से मिलना, उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजातियां खुशहाल थी। लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर की के निवासी भी उनके साथ देख पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। महर्षि वेदव्यास का वन में आना कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए, अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों मत करिए, वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोगों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोगों में अति प्रसन्न हैं, परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज रात में आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी के चेहरों पर हल्की मुस्कान उभर आई। व्यास का विधवाओं को समझाना जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे।
अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोगों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था, वह समाप्त हो गया। विधवाओं का परलोक गमन। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल डुबकी लगाकर अपने जवान को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोग चली गई। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना।